જવા ચાલશે जय श्री कृष्ण। हेलो कैंसू सर्वस्त्रकाल वड़कम, दिस इज धवल खत्री और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब ब्लॉग चैनल केरी जर्नी ऑफ धवल खत्री। सो वंस अगेन हैप्पी संडे। और आज के दिन एक और फूड इवेंट होने वाला है, क्योंकि संडे तो ऑलमोस्ट रहता ही, और अभी तो पता नहीं फिलहाल बहुत पैक जा रहे हर एक संडे ऑलमोस्ट। और आज मेरे, जैसे मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में, चंद्रेश भाई के ब्लॉग में, कि एक और फूड डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, वो है मेरे स्कूल के दोस्त श्रैणिक पटेल, उनका लड़का यानी कि उनका बच्चा है, उनके बर्थडे के तौर पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन वो करने वाले हैं, तो आज उनकी तरफ से है। और साथ में एक खास बात कि आज हमारे माता श्री का जन्मदिवस भी है, तो अभी नीचे जाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठा हूँ आज और ऑलमोस्ट नीचे तैयारी शुरू हो चुकी है सुबह 5 बजे से लेकर। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या, और नीचे तैयारी हो चुकी है, आई थिंक थोड़ी बहुत डांट तो पड़ेगी डैडी से, क्योंकि कल रात को बहुत लेट हो गया था, व्लॉग एडिट करना था वो कंप्लीट कर दिया है पिछला वाला। तो उसके बाद अभी जाते हैं और नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या होने वाला है तैयारी। ये भाई साहब आए अभी 8 बजे, हम लोग उठ गए थे 5 बजे और फिर आधा काम ख़त्म हो गया है। अभी ये भाई साहब हमारे ब्लॉग बना रहे हैं, तो आधा काम निपट गया है, चावल हो गया, चना हो गया। कितने बजे उठे थे आप? आज हो गया, लहसुन हो गया। आप लोग कितने बजे उठे थे? 5 बजे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चाय पीसो? हाँ चाय पीसो ने। और ये भी यहाँ पे चाय बन रही है, तो साथ में मोबाइल मंत्रिंग चालू है। आज संडे है इसलिए बहन को छुट्टी है, तो भी काम करवाने का है या सो जाने का है, आराम करवाने का। तो आज हमारे एक और इवेंट है एनजीओ में आज के दिन, तो आज एक और हाथ हमको मिलेगा। हाथ मिलेगा? हाँ, तो हाथ सपोर्ट के लिए मिलेगा, मेरे दो हाथ मिलेंगे। तो अभी चाय पियेंगे, चाय हो गई है मस्त, आज कुछ स्पेशल है, ताकत वाली चाय है, आज कुछ स्पेशल है। क्या है? तो ये है हमारे माता श्री, उनका बर्थडे है और उनको भी विश करने का मेरे को बाकी है। तुमने कर लिया है? बाकी है। तो अभी जाएंगे नीचे चाय लेके और बर्थडे विश करेंगे, चाय कटिंग करेंगे, केक कटिंग करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ सैंडविच टोकरा लेने के लिए, फिर ला के उसको कटिंग करेंगे, अगार करेंगे और तैयार करेंगे सारा कुछ, फिर हवन करेंगे, हवन करेंगे। बाकी ने तैयारी थी गई छे? बाकी नु आज बधुज पति गयु छे, जोई सको छो तमे। मारे थोड़ो लेट थई गयु उठवामां, पुलाव थई ग्यो छे, ચોખા થઈ ગયા છે, ડુંગળી ટામેટાની ગ્રેવી રેડી, એટલે આગળનો જે બધું સમારવાનો છોલે તૈયાર થઈ ગયા છે, 70% કામ થઈ ગયું છે, 30% બાકી। મગજ મારી તમારી છરિયા તેજ હે, કાટ દાવેગી किसकी છરી તેજ હે, દેખતે હે આજ, ચલો સામને સામને હો જાઓ, છરાય છરી मामी मामी अपने घर से छरी लेकर आए हैं, और वैसा मामी लेके आए और मेरी धार वाली छरी को ये अब धार हो गई है, और उसकी धार बना रहे हैं। मामी आटला में शू था, घसवी पड़ा काट खाली छरी लेकर, काट नहीं मैं टुकड़ा नीचे गिरता है, देखो खाली हाथ लगाओ अंदर। मामी नहीं छरी बुट्टी कहाँ से? मामी छरी कहाँ?
अच्छी छड़ी लेके आए ले है। इसके लिए ही मैंने मंगवाई थी। तुम्हारी छड़ी में कितनी आ तो जूनी रह गई थी। ये नवी पूछी तो नवी लेने आओ जो ये बोला कि नवी नहीं आज जूनी मांग लो नवी लेने आओ ये गीता बीच में एक लाइन से फूकी गई है। छड़ी ना लेके नवी खरीदी है वो टूटी देखी लाल लाल थी। मां में घसे तो जो पे क्या धार था पत्रो हलस मन छड़ी नहीं गलती आए हाय मामी पेंसिल दी हणी थोड़ी छोलवानी ओ वाह। इसके लिए मैंने इसके लिए मंगाई है कि छड़ी की ना का नाइगे अजब परवा गया अजब परवा गया अतन काम लगा दी अरे बाबी नहीं रजा धार भी मामी ये भी करी ने के छरी ने जगह पत्थर नी धार थई गई मंगलवार कही दो कौन है पी ली थी मामी के तेरा टमाटर बड़ा है छोटा करा था है तो निकल जाएगा। अरे उसमें से नहीं ऐसे ऐसे रहा बड़ा बड़ा भद्दा भद्दा टमाटर था अंदर जाम के हां ये तो आता नहीं है काटने का तो फिर उनके नीतू को लेके आने का कड़ी मां की कड़ी नहीं दही हो जाए मेरे गुलाब फिर उसके बाद पुड़िया बनाएंगे सब्जी हो रही है मावे कविता छोले कविता बोल इधर पेस्ट डल रही है कविता बोलता है उला आलू लहसुन की पेस्ट डाल रहे हैं प्याज डला गई है भिंडी आवड़ी गई है कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ी थोड़ी सीख रहे हैं यहाँ का गुण रहे है बाद में उसको पूरी बनाने की है बढ़िया बढ़िया सी मामी से नू टेंशन छे तमारा गुल्ला बनावा घर का टेंशन है घर का टेंशन है मामा का टेंशन है और मामा का ही टेंशन है मामा ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा तो खा लेते पी लेते सो भी लेते चाय नाश्ता अच्छा, पिया है अच्छा खाते हैं क्यों सेठानी का हार का मैं हिंदी में बोला है इसलिए तुम्हारी हां में जो यहां सब हिंदी वाले रहते हैं गुजराती वाले चले गए।
अभी क्या खाने पीने में गुजराती है, बोलने में इतनी विचार करे थे कई भाषा आई है क्या कौन आए हिंदी बोल रहे मुझे ना तो आज हमारे साथ है हमारे ट्रस्टी किशन भाई पटेल। बहुत टाइम बाद एक और इवेंट में जुड़े हैं, तो किशन भाई कुछ कहना चाहोगे? नहीं, अभी कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। नहीं मतलब अपने इवेंट के बारे में कि सबको आना चाहिए ऐसा कुछ? इवेंट में तो सबको आना चाहिए। तो बात ऐसी है कि सब रेडी हो चुके हैं और किशन भाई हमारे बहुत टाइम बाद आए हैं क्योंकि आजकल बहुत व्यस्तता रहते हैं उनको। और तुषार भाई है, सावन भाई है जो कि आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा। तो फाइनली हम सब रेडी है फूड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार और रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि ये मेरा व्लॉग चैनल है केडीए जर्नी ऑफ धवल खत्री। तो हमारे सभी टीम मेंबर की ओर से यही कहना चाहते हैं ये लोग के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किशन सब्सक्राइब कीजिए। तो भाई अभी इवेंट ख़त्म करके आ चुके हैं और फाइनली हमें ऐसा प्लान था कि केक कटिंग करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन लोगों की सेवा करने में पूरा दिन चला गया। तो मौका नहीं मिला, लेकिन लास्ट में एंड ऑफ द डे ये कुछ प्लान किया है। तो चलिए इससे शुरुआत करते हैं सेलिब्रेशन की, क्या बोलते हैं वो? लेकिन उसमें ही मज़ा है जो बच्चे खाते हैं खिलाते हैं, वो उसमें ज्यादा मजा है, सेलिब्रेशन से ज्यादा वही अच्छा लगता है। सही बात है। हाँ। चलिए आज बहुत ही मजा आ गया, मजा आज बहुत मजा आ गया। आज बहुत मजा कान में काका काका सुनाई देता है अभी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे, लोखो लोखो केक खाओ, हैप्पी बर्थडे तो बोलो। मम्मी ने ठूसी दे आलू खिल्ली घुसी गई। थोड़ी ज्यादा